नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों मायर नगरी मुंबई में हल्की सी बारिश भी बाढ़ का कारण बनती है। देखते हैं और जानते हैं। पहले तो मैं आपको मुंबई के बारे में कुछ ऐसी बातें बता दूं जो शायद आपको नहीं पता हो। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई इंडिया का सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है आफ्टर दिल्ली एंड सेवेंथ मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड। मुंबई में अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ लोग रहते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। हमारी महानगरी मुंबई 7 आइलैंड से बनी हुई है। बिलियनर्स के मामले में मुंबई दुनिया में 8th पोजीशन पे है। 2008 में मुंबई को अल्फा वर्ल्ड सिटी का खिताब दिया गया था क्योंकि मुंबई में इंडिया में से सबसे ज्यादा मिलियनर्स और बिलियनर्स पाए जाते हैं। ये सारी खूबियां होने के बाद भी मुंबई में स्टार्क डिफरेंसेस दिखे जाते हैं। मुंबई हर साल एटलीस्ट एक दिन तो फ्लडेड होती है। रेलवेज, रोडवेज, एयर ट्रांसपोर्ट, नॉर्मल पब्लिक लाइफ सब स्थगित रह जाती है कुछ टाइम के लिए हर साल। मुंबई में हर साल लैंडस्लाइड के कारण, वॉल कोलैप्स होने के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं सिर्फ मुंबई में। ताजुब की बात तो यह है कि मुंबई में फ्लड आने से कुछ हफ्तों पहले महाराष्ट्र के अन्य राज्यों में सूखा पड़ा हुआ था। मुंबई में भी खुद नवंबर 2018 से 10% वाटर कट किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि मुंबई में जो 7 लेक से पानी आता है उसमें भारी गिरावट देखी गई थी। ऑलमोस्ट 6% की गिरावट देखी गई थी जून 2021 तक। ये जो कॉन्ट्रास्ट है कि कहीं सूखा पड़ रहा है और कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, ये एक्सपोज करता है हमारे वाटर रिसोर्सेज के पुअर मैनेजमेंट पर। एक्चुअली रीजन क्या है कि मुंबई इतनी फ्लडेड हो जाती है सिर्फ कुछ बारिश से ही? देखिए, इसके 3 मेजर कारण है। एक है आउटडेटेड ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा है नेचुरल बैरियर्स का डिस्ट्रक्शन होना ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। कहीं भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, नाला नहीं देख रहे हैं, पेड़ पौधे कैसे भी काट रहे हैं, तो ये जो अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन है मुंबई थोड़े से ही बारिश में फ्लडेड रहने की। पर अगर थोड़ा और डेप्थ में जाए, विच आई एम श्योर यू मस्ट बी इंटरेस्टेड, हम लैंड और वाटर के रिलेशन के बारे में जानेंगे। देखिए, रेन वाटर जो होता है ना, वो इधर एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल में, अर्थ में, या फिर वो ड्रेन आउट हो जाता है, अपना एक वे निकाल के ड्रेन आउट हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज में या फिर नेचुरल वाटर बॉडीज में, जैसे कि लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए। ये जो हमारे फ्लड प्लेन्स होते हैं या फिर कोस्टल वेटलैंड जो होते हैं, लेक्स, रिवर्स, इवन फील्ड्स, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं और इनफैक्ट ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी मदद करते हैं। पर अगर मुंबई की बात करें तो वी एक्चुअली डू नॉट हैव स्पेस फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इसलिए हमें ऐसा डिजाइन करना चाहिए जिससे कि जो पानी है वो ड्रेन ऑफ हो जाए टूवर्ड्स लेक्स और रिवर्स। इसे आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन टू नेचुरल चैनल्स भी कहते हैं। मुंबई का फ्लडिंग एक अर्बन एनवायरमेंटल क्राइसिस का नतीजा है, बट इंस्टेड ऑफ रेक्टिफाइंग आवर एनवायरमेंटल मिस्टेक हमने और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया है, जैसे कि बृहन मुंबई स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट, जो कि सही माने एक्सपर्ट्स की माने तो बिल्कुल भी काम का नहीं है, अनअकाउंटेबल है और इनइफेक्टिव है। इसलिए मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कि हमारा मैनेजमेंट खराब है, हमारा प्लानिंग खराब है, हमें एक्चुअली रिकंसिडर करना चाहिए द होल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अगेन। अभी हमने प्रॉब्लम्स तो देख लिए, मुंबई क्यों फ्लड हो रही है, लैंड वाटर का रिलेशन भी देख लिया, ज्योग्राफी भी देख ली, उसका सिटी का बाउंड्रीज वगैरह भी देख लिया, पर एक्चुअल वर्क होता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको इस सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी स्टेप्स होने चाहिए ना, जो भी स्टेप्स लेने चाहिए बीएमसी को या फिर जो भी अथॉरिटीज है उनको, वो साइमल्टेनियसली लेने चाहिए, ना कि एक हो गया तो दूसरा। कोई हायरार्की में काम करना जरूरी नहीं है, साइमल्टेनियसली ये सारी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो है इम्प्रूवमेंट या अपग्रेडेशन ऑफ सेटलमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि जो लोग फ्लड प्रोन एरियाज में रहते हैं या फिर कच्चा हाउसेज में रहते हैं या फिर उन जगहों पर रहते हैं जहां पर लैंडस्लाइड होने की संभावना है, वैसे लोगों को और वैसे परिवारों को रिलोकेट करने की जरूरत है टू दोज एरिया जहां पर रिस्क कम है या फिर ना है। और इनफैक्ट ये जो जगह होती है जहां पर लैंडस्लाइड्स का खतरा हो या फिर जो फ्लड प्रोन एरियाज में आते हैं, वो एक्चुअली गुड रिसोर्सेज बन सकते हैं हमारे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। हम ऐसी जगहों को ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एरिया रीजनरेशन। देखिए, कुछ एरियाज होते हैं जो काफ़ी टाइम से डीजनरेट हो गए होते हैं, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ होता है ऐसे जगहों पे, उन जगहों को रीजनरेट होने के लिए कुछ वक्त के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे उस जगह की वेजिटेशन इंप्रूव होती है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनडेवलप्ड एरियाज
एंड द नेचुरल इकोसिस्टम। देखिए, कड़क कानून बनने चाहिए अगर इनलीगल ऑक्यूपेशन होता है अनडेवलप्ड एरियाज या फिर नेचुरल इकोसिस्टम जैसे कि फॉरेस्ट उन एरियाज पर, क्योंकि ऐसे एरियाज जहां पर ज्यादा ट्रीज हो, वेजिटेशन काफी हो, वो एरिया सिटी के लिए मानो लंग्स का काम करती है। फाइनली, हमें यूनिट वाइज डेवलपमेंट करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग टू बिल्डिंग वाटर कलेक्शन और हार्वेस्टिंग टेक्निक को हमें बढ़ावा देना चाहिए। उससे साल भर के पानी तक की हार्वेस्टिंग हो सकती है। अगर हम आज ये कदम उठाते हैं तो आई एम श्योर कि मुंबई गरीबों के लिए भी अच्छी जगह बन सकती है रहने के लिए। आप क्या सोचते हैं कि इनोवेटिवली सस्टेनेबल मुंबई सिटी कैसे बनाया जाए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।